हेलो फ्रेंड्स, मैं रुजन। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और हीट ट्रांसफर की मैकेनिज्म, जो कि है रेडिएशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि रेडिएशन क्या होती है, वो थर्मल रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ रेडिएशन के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे ब्लैक बॉडी और ग्रे बॉडी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर महमताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेडिएशंस क्या होती हैं। रेडिएशन इज एन एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस। तो ये एक एनर्जी ट्रांसफर की प्रोसेस होती हैं इन विच हीट इज ट्रांसफर थ्रू स्पेस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर हमारी जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं थर्मल रेडिएशन की, तो अगर हीट ट्रांसफर हमारी रेडिएशन के थ्रू हो रही है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल रेडिएशन। इट इज इफेक्टिव इन द वैक्यूम एंड ऑल्सो थ्रू द लेयर्स ऑफ द एयर। तो ये इफेक्टिव होता है अगर हमें हीट ट्रांसफर करना है वैक्यूम के अंदर या एयर में हीट ट्रांसफर करना है, तो जो हमारा वो थर्मल रेडिएशन है ये काफी इफेक्टिव होता है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जो हम अपने घरों में यूज करते हैं माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिकल हीटर जो है, वो उसके अंदर से हमारी थर्मल रेडिएशन ही इमिट होती है। ऑल वो सॉलिड बॉडी रेडिएट एनर्जी अबव एब्सोल्यूट जीरो। तो वो जितनी भी हमारी सॉलिड की बॉडी है, अगर उनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर है, तो वो अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करती हैं और ये इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब हम कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं वो रेडिएशन के। तो जो हमारी रेडिएशन है ये ओबे करती हैं लॉ ऑफ लाइट को, मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और ये रिफ्लेक्ट होती हैं जब किसी भी वो सरफेस के ऊपर ये इंटरसेप्ट करती हैं। हाँ, तो इस प्लेस पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी रेडिएशन है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं और जब ये किसी भी आप कह सकते हैं सरफेस के ऊपर टकराती हैं तो वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होती हैं। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम कुछ चीज़ें सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास कोल्ड सब्सटेंस है और उसको हम प्लेस्ड कर देते हैं एक हॉट बॉडी के अंदर। तो जब हम इसको हॉट बॉडी के अंदर प्लेस कर देंगे, तो जो हमारी हॉट बॉडी के अंदर से वो रेडिएशन इमिट हो रही हैं, वो जो हमारी वो कोल्ड बॉडी है उसको इंटरसेप्ट करेगी और उसको कुछ फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देगी। तो ये फ्रैक्शंस क्या क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द बॉडी मे बी रिफ्लेक्टेड नोन एज रिफ्लेक्टिविटी, और इसको हम रो से इंडिकेट करते हैं। तो जो वो रेडिएशन हमारी हॉट बॉडी के ऊपर से वो निकल रही है और हमारी वो कोल्ड बॉडी के ऊपर वो पड़ रही है, उसका कुछ फ्रैक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है हमारी कोल्ड बॉडी के ऊपर से, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिविटी और इसको हम रो से इंडिकेट करते हैं। अगला जो हमारा फ्रैक्शन है, हाँ, वो क्या है, द फ्रैक्शन एब्जॉर्ब इज नोन एज एब्जॉर्प्टिविटी, और इसको हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारी वो रेडिएशन उसके ऊपर पड़ रही है, कुछ फ्रैक्शन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उसकी एब्जॉर्प्टिविटी कहलाता है, उसको हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं। फ्रैक्शन विद दैट इज वो ट्रांसमिटेड इज नोन एज वो ट्रांसमिसिविटी, और इसको हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। तो इस प्लेस पे क्या होता है कि अगर हम ये बात करें कि ये एक हमारी हॉट बॉडी है और इसके अंदर हम हमारी कोल्ड बॉडी को जब रखते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी हॉट बॉडी है उससे जो वो रेडिएशन वो निकलती है, जब वो इसके ऊपर आती है, तो क्या होता है कि ये मतलब कुछ पार्ट को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देता है, ये इसका कहलाता है वो रिफ्लेक्टिविटी, और इसको हम रो से इंडिकेट करते हैं। वो कुछ पार्ट को ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको हम इसकी कहते हैं एब्जॉर्प्टिविटी, और इसको हम इंडिकेट करते हैं वो लैम्डा से। और जब ये हीट होता है तो ये कुछ पार्ट को अपने अंदर से इमिट करता है और इसको हम कहते हैं इसकी ट्रांसमिसिविटी, और इसको हम टाउ से इंडिकेट करते हैं। जो हमारी वो रेडिएशन उसके ऊपर आ रही है वो उसको हीट करेंगी और उसके बाद में जो हमारी वो कोल्ड सरफेस है वो अपने अंदर से कुछ रेडिएशन वो ट्रांसमिट करेगा और वो उसकी वो ट्रांसमिटिविटी कहलाता है, टाउ कहलाता है। द सम ऑफ दीज फ्रैक्शन मस्ट बी यूनिट। तो अगर हम इन फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हैं तो वो वन के इक्वल होता है। हाँ, तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन है वो है अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू वन। अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्लैक बॉडी के बारे में। ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज ए बॉडी दैट रेडिएट मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो अपने अंदर से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को रेडिएट करती हैं और उनको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं।
नो फिजिकल सब्सटेंस इज ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता है, बट हमारी जो ब्लैक सरफेस है अगर उसको हम कंपेयर करते हैं पॉलिश वो सरफेस से, तो उस कंडीशन में जो हमारी ब्लैक वो सरफेस है वो एक अच्छी इमिटर होती है हीट रेडिएशन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेट ऑफ रेडिएशन के वो बारे में, तो यहाँ पे हम दो लॉ को यूज करते हैं। पहला हमारा वो लॉ है वो दैट इज कॉल्ड द किरचॉफ्स लॉ, और जो हमारा वो दूसरा वो लॉ है ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा जो है लॉ ये है हमारा किरचॉफ्स लॉ। इट स्टेट दैट रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल सब्सटेंस। तो अगर हम रेशियो निकालते हैं इमिसिव पावर का और एब्जॉर्प्टिव पावर का, तो उसका जो रेशियो होता है वो हर बॉडी के लिए सेम होता है इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। और अगर हम बात करते हैं ब्लैक बॉडी की, उस कंडीशन में जो इसकी है एब्जॉर्प्टिविटी वो जो अल्फा है ये 1 होती है, और ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी ब्लैक बॉडी है उसके अंदर से मैक्सिमम अमाउंट जो हमारी वो रेडिएशन का है वो रेडिएट होता है। तो अगर हम बात करते हैं कोई भी अगर सब्सटेंस है वो जितना ज़्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ज़्यादा वो रेडिएशन को अपने अंदर से इमिट करता है। तो जो हमारा दूसरा लॉ है वो क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इस कंडीशन में क्या है वो, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाई द ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इन्होंने ये कहा कि वो किस वो रेट से जो हमारी ब्लैक बॉडी है वो एनर्जी को इमिट कर रही है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इस प्लेस पे जो हमारी इक्वेशन है वो है क्यू इज इक्वल टू बी ए टी की पावर 4। तो यहाँ पे जो हमारा क्यू है वो क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इन वाट, ए है एरिया ऑफ द रेडिएटिंग सर्फेस इन मीटर स्क्वायर, टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और बी है कांस्टेंट। तो ये जो हमारा वो बी है इसकी जो यूनिट है वो होती है वाट पर मीटर स्क्वायर, हम केल्विन की पावर 4। तो इस प्लेस पे जो हमारा बी है वो हमारी जो ब्लैक बॉडी है उसके लिए इसकी जो वैल्यू है वो होती है 5.67 इंटू 10^-8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल जो हमारी बॉडी होती है उसके लिए अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है दैट इज कॉल्ड द इमिसिविटी। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन है वो हो जाएगी Q इज इक्वल टू इमिसिविटी बी ए टी की पावर 4। तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल जो हमारी बॉडी है उसकी जो हमारा इमिसिविटी है उसको हम इससे इंडिकेट करते हैं। और अगर हम इसको इक्वेशन में देखें तो इमिसिविटी इज इक्वल टू एनर्जी इमिटेड बाई द एक्चुअल बॉडी अपॉन एनर्जी इमिटेड बाई द ब्लैक बॉडी। तो अगर हम अगर जो हमारी इमिसिविटी है वो इक्वल होती है एब्जॉर्प्टिविटी के, मींस जो हमारा इमिसिविटी है इक्वल है अल्फा के, तो उस कंडीशन में द सब्सटेंस इज कंसीडर्ड एज ए ब्लैक बॉडी। तो उस कंडीशन में जो हमारा सब्सटेंस है उसको हम एक ब्लैक बॉडी कहेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द ग्रे बॉडी। तो जो हमारी वो ग्रे बॉडी है, ग्रे बॉडी इज द बॉडी हुज एब्जॉर्प्टिविटी रिमेन कॉन्स्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एट ऑल वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक हम बात करते हैं फिक्स्ड टेम्परेचर की, तो वहां पे जो हमारी बॉडी है अगर उसकी एब्जॉर्प्टिविटी कॉन्स्टेंट रहती है हर वेवलेंथ की रेडिएशन के लिए तो उसको हम कहते हैं ग्रे बॉडी। तो इस कंडीशन में हम इस चीज को कह सकते हैं वो सपोज ए स्मॉल वो बॉडी हैविंग वो सरफेस एरिया ऑफ ए एंड द टेम्परेचर वो T2 इज सराउंडेड बाय हॉट ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर वो T1। तो हम इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू बी ए इन ब्रैकेट T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो इस प्लेस पे जो हमारी वो दो बॉडी हैं उनका वो टेम्परेचर अलग अलग हो गया, ये है हमारा वो T1 और ये है हमारा T2, और इसकी जो आपकी पावर है वो 4 रहती है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह होगी ग्रे बॉडी के लिए। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।